14 सितंबर 2020 सभी स्टूडेंट्स जानते हैं आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस आज से नहीं बल्कि आज से लगभग 70 साल पहले से मनाया जा रहा है। 1953 में पहली बार 14 सितंबर को हम लोगों ने इंडिया में भारतीयों ने हिंदी दिवस मनाया था और ये जो हिंदी दिवस है इसकी परंपरा कहने को 53 में स्टार्ट हुई, लेकिन वैसे हिंदी दिवस अगर देखें संविधान की भाषा के अकॉर्डिंग उसके आर्टिकल के अकॉर्डिंग तो अनुच्छेद 343 के तहत 14 सितंबर 1949 ये लिखित में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भाषा राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई जिसकी लिपि देवनागरी और ये आर्टिकल 343 में संविधान की उस मोटी भारी भरकम डॉक्यूमेंट्स की किताब में लिख दिया गया। तो 1953 से 53 से हर साल ये ट्रेंड चल पड़ा कि हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाएंगे और क्योंकि इस साल तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद हैं, अदरवाइज हर साल ये 15 दिन का एक फेस्टिवल टाइप रखा जाता था जिसको हिंदी पखवाड़ा के नाम से भी जानते हैं। तो हिंदी पखवाड़ा कल हम लोगों ने भी आईसीएस में एक बहुत बड़ी संस्था है सोनीपत में काम करती है सेफ इंडिया फाउंडेशन, उन लोगों ने कहा कि भाई एक प्रोग्राम करना है तो बहुत सारी चीजें जो थी अभी जैसे अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात करें खुले नहीं है लेकिन संस्थाएं जो समाज सेवा के काम कर रही है वो करती जा रही है। तो गोविंद रसोई एक बहुत बड़ी संस्था है जिसने हमारे यहाँ एक हॉल कहा कि आप प्रोवाइड करा दीजिए और बहुत सारे टीचर्स को सम्मानित भी किया गया। तो कल बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, कल पूर्व संध्या पर प्रोग्राम कर दिया गया था हिंदी दिवस का। आज शाम को देखेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो एक क्लास वैसे बातचीत कर लेंगे एक हिंदी दिवस के ऊपर, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपने टॉपिक पर आते हैं। हमने आधुनिक भारत पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और हमने देखा था कि पिछले हफ्ते जो क्लासेस ली गई हैं उससे और अब तक में धीरे 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 हम इंडिया में एक अलग सा पड़ाव से गुजर रहे हैं, एक अलग से पड़ाव से जिसमें कि सत्ता धीरे धीरे किसी किसी के हाथ से परिवर्तित होकर नए हाथों में जाएगी क्योंकि मुगलों का लगभग अंत आने के कगार पर हो चुका है और उत्तर मुगलकालीन शासक इतने ताकतवर नहीं है कि वो अपने प्राचीन धरोहर को इस विरासत को संभाल पाए जिस कारण उनके जो हाथ से सत्ता है वो निकल के कभी दिखेगी शायद अंग्रेजों के हाथ में जाएगी, फिर लगेगा नहीं शायद फ्रांसीसी यहां राज करेंगे या शायद पुर्तगाली यहां राज करेंगे या डच या डेनमार्क। तो ये क्लियर होने में भी काफी लंबा एक दौर चला जिसमें कि ये क्लियर हुआ कि वास्तव में इंडिया पे राज किसका होगा। तो इसी सीरीज में हमने देखा था कि भारत आने का एक समुद्री मार्ग खोज लिया था 1498 में वास्कोडी गामा ने और ये स्पेन और पुर्तगाल सबसे ज्यादा साहसिक नाविकों को यात्राएं कराने के लिए खर्चा दिया करते थे ताकि नए नए सी रूट खोजे जा सके जिनमें की कोई खर्चा ना हो। देखिए कहीं पर अगर रोड बनाया जाता है कंस्ट्रक्शन की जाती है तो खर्चा होता है लेकिन सी रूट में एक भी पैसा खर्च नहीं होता क्योंकि कुछ मेंटेन या बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधे नाव लेके निकलते हैं और आप दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। कोई खर्चा ना होने के कारण यह सस्ता रूट पड़ता है और इंडिया आने का रास्ता नया खोजना था क्योंकि जो पुराना रास्ता था फारस की खाड़ी वाला इस पर अरबों ने अधिकार कर लिया और उन्होंने कहा कि हम अपने अलावा किसी को यहां से व्यापार करने नहीं देंगे। उसी सीरीज में इंडिया आने का रास्ता खोजने के लिए ढेरों लोग नाव लेकर निकल पड़े और 1492 में कोलंबस इंडिया के चक्कर में पहुंच गया अमेरिका और वहां के नागरिक जो तटवर्ती इलाके के थे उन्हें उसने कहा ये रेड इंडियन है। आज भी रेड इंडियन प्रजाति पाई जाती है उत्तरी अमेरिका के तटवर्ती इलाकों में, लॉजिक आपको पता चल गया। 1492 के 6 साल बाद इंडिया पहुंचता है वास्कोडी गामा जो पुर्तगाली है और ये सी रूट कवर करता है ये जो अपना अटलांटिक महासागर है जिसकी आकृति एस जैसी है जिसको आप अंध महासागर भी कहते हैं, अफ्रीका के नीचे आशा अंतरीप से होता हुआ फाइनली ये इंडिया में कोचीन कालीकट तट केरला पर पहुंच जाता है और वहां पे देखो 5 साल सिर्फ लगे। 1498 में तो आदमी आया था और 1503 में इन्होंने अपनी कंपनी बना ली और एक फैक्ट्री स्थापित कर ली पहली इन्होंने कोचीन में और 1505 में इन्होंने एक आदमी भी भेज दिया कि तू गवर्नर है और तू जाके वहां कामकाज संभाल। 1503 का मतलब है इंडिया में उस टाइम पर आप समझते हो कि दिल्ली सल्तनत कमजोरी की तरफ आ रही थी क्योंकि 1526 आना था तो अभी वैसे तो कहने को तो सिकंदर शाह सूरी बैठा हुआ था लेकिन उसको दक्षिण भारत से कोई खास जुड़ाव या लगाव नहीं था और वो मेनली आगरा दिल्ली फतेहपुर सीकरी इन्हीं के आसपास घूम रहा था या लाहौर तक। तो साउथ इंडिया की तरफ इनका आना बहुत आसान था क्योंकि कोई बड़ा राजा था नहीं और जो लोकल अपने इंडिया के राजा थे उन लोगों का इंटरेस्ट नहीं था ज्यादा कि ठीक है भाई इतना संसाधन इतनी अमीरी है कोई आए लूटे फर्क नहीं पड़ता था तो कोई टेंशन भी नहीं लेता था। इसी दौर में आगे चलते चलते हमने 3 नाम पढ़े थे। एक नाम पढ़ा था सबसे पहले फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जिसने कोई टेंशन नहीं ली और उसने सिर्फ छोटा मोटा काम किया, कुछ ज्यादा किया भी नहीं, कोचीन में अपना बैठा रहा, आसपास की टेरिटरी उसने कुछ आइलैंड जो थे इन पे अपने फोर्ट बना लिए, कहते हैं 4 किले बनाए थे लेकिन फेमस नहीं हो पाए थे वो और 3-4 साल ही वो काम कर पाया क्योंकि 1505 में आया था और 1509 में एक नया आदमी आया अल्बुकर्क जिसने जिसको कहते हैं वास्तविक संस्थापक, उसने यहां के राजाओं से भी लड़ने में कसर नहीं छोड़ी और जो बीजापुर के राजा थे उस टाइम पर उनसे लड़के उसने गोवा छीन लिया और सिर्फ गोवा ही नहीं छीना उसने हरमुज जो कि आपका ईरान वाले पट्टी के पास पड़ेगा जो नीचे पानी में और इस तरफ मलक्का या मलाया जो आपका पड़ेगा ये जो इंडिया का मैप के पास जो ये छुटपुट से देश दिखते हैं ना आसियान वाले देश इनके नीचे ऑस्ट्रेलिया से पहले पड़ जाता है। तो ये पूरा इलाका हिंद महासागर की टेरिटरी में उसका राज हो गया और हिंद महासागर के स्वामी अल्बुकर्क के कारण बने। शांत जल की नीति अगर पूछेंगे तो वो टिक करना पहले वाले के कारण, लेकिन उसने इतनी बढ़िया अपने एरिया में अपनी छाप नहीं बनाई जितनी कि अल्बुकर्क ने बनाई।
ये दो बातें बता रही हूं। अगर पूछें कि इंडिया में ये पुर्तगालियों ने में से किसने शांत जल की नीति को फॉलो किया, तो आप टिक करेंगे पहले वाले का नाम। लेकिन अगर पूछे हिंद महासागर के स्वामी किसके कारण बने, तो आप टिक करेंगे दूसरे वाले का नाम। अल्बुकर्क कहलाता है वास्तविक संस्थापक, उसने ज्यादा बड़े स्टेप लिए। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने शुरुआती काम किया, लेकिन बेस अगर कहेंगे तो फ्रांसिस्को ने बना दिया था। हाँ, उसके ऊपर उभर के सामने जो आया नाम वो है अल्बुकर्क का। तो अगर पूछे कि पहला गवर्नर तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, शांत जल की नीति तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, लेकिन अगर कहें वास्तविक संस्थापक कौन है पुर्तगाली पूरे टेरिटरी का, तो वो अल्बुकर्क का नाम आएगा। अल्बुकर्क ने देखो गोवा छीना, सती प्रथा बंद करवाई, याद है वहां की औरतों से शादियां की, मंदिर तोड़े, अपने चर्चेस को या ईसाई धर्म को बढ़ाने के लिए इसने काम किया। तो वास्तविक संस्थापक कहेंगे तो दूसरे वाला, लेकिन बेस के रूप में काम कर गया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा महज 4 सालों में। फिर एक आया नूना डी कुन्हा, वैसे तो बहुत सारे आए लेकिन ये फेमस है। नूना डी कुन्हा क्यों? क्योंकि दमन द्वीप के बारे में जिक्र किया था मैंने कि कैसे इसने दमन में अपना द्वीप में अपना बहुत बड़ा फोर्ट बनाया, और कैसे वहां से चारों तरफ आज भी आप अगर जाएंगे तो आप जैसे ही फोर्ट की दीवार पे ऊपर चढ़ेंगे तो आप देखेंगे चारों तरफ से बिल्कुल अथाह खुला अरब महासागर है, और आज भी वहां जो वेव्स हैं, जो तेज बहाव में पानी की पूरी पूरी लहरें आती हैं, आज भी टक्कर उनकी सीधी लगती है इस ऊंचे बहुत ज्यादा बढ़िया बने हुए फोर्ट की दीवारों पर। आज तक उन पे कोई असर नहीं पड़ा, कितने 100 साल बीत गए। आज की बात तो नहीं कर रही, ये बात हो रही है 1500 कुछ की, और आज हम बैठे हैं 2020 में। इतने सालों में लगातार पानी अगर इस तरह टक्कर मारे ना तो दीवार ढह जाती है, लेकिन वो इतना मजबूती से बनाया गया किला है कि आज तक एज इट इज खड़ा है। चलिए, ये हमने पढ़ लिया था। अब इन चीजों को धीरे धीरे करके किताबी भाषा से भी हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि फिर में हमारी किताबों की भाषा आती है। फिर हमने पढ़ा था पुर्तगाली जो है धीरे धीरे हावी हुए, लेकिन बहुत चालाक थे, उत्तर भारत में नहीं आए क्योंकि उत्तर भारत में बहुत ताकतवर राजा ऑलरेडी बैठे थे जिनका कि स्थल पर बढ़िया कंट्रोल था, लेकिन जल पर अच्छा कंट्रोल नहीं था। इसी कारण ये जल के एरिया में एक तरह से छुटपुट सा राज करने की कोशिश करने लगे। इनको टक्कर दी डचों ने, डच यानी नीदरलैंड के, हॉलैंड के जो निवासी हैं वो डच, वो कंपनी यहां आई और धीरे धीरे करके उसने इनके ही इलाकों में, अब इन्होंने अपनी टेरिटरी बढ़ाई ना साउथ इंडिया में, इन्हीं के इलाकों को उन्होंने अपने अंडर लेना स्टार्ट कर दिया, और डच धीरे 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 हावी होने लग गए। जब वो हावी होने लग गए तो पुर्तगालियों ने बहुत चालाकी से बंबई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो देश था इंग्लैंड, वहां के राजकुमार से शादी की, अपनी राजकुमारी कैथरीन की, और उसको फिर दहेज में दे दिया। दहेज में क्योंकि राजा को मिला था, राजा ने कहा मेरा तो कोई लेना देना है नहीं, लेकिन हमारे देश की कंपनी वहां राज करती है, और इस तरह से बंबई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। ये कंपनी जो बनी थी ये 1599 के दिसंबर में, इसलिए 1600 कह देते हैं, 1600 में बनी, लेकिन ये इंडिया आई बहुत सोच विचार करके। पहले 1601 में इसने एक आदमी भेजा, कैंस्टर आया, उसके साथ 3-4 आदमी और थे जिनमें जॉन मिल्डन हॉल भी था। फिर 1604 में जॉन मिल्डन हॉल आया। मिल्डन हॉल जो है ना, ये कोशिश, इसे सब कुछ देखा परखा लेकिन कोई काम नहीं किया, सिर्फ देखा और अपना चलता गया। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया जहांगीर के दरबार में, इससे परमिशन मांगी कि क्या हम आपके यहां व्यापार करें। तो जहांगीर ने कहा भैया मेरे यहां व्यापार कर तो लोगे, लेकिन यहां पहले से पुर्तगाली हैं और पुर्तगालियों का कार्टेज, परमिशन का लेटर मेरे पिताजी यानी अकबर के जहाजों पर भी लगता था, तो मैं ऐसे परमिशन दे नहीं पाऊंगा। और 1608 में आए कैप्टन हॉकिंस को परमिशन नहीं मिली। 1611 में कोशिश की इन्होंने कि हम लोग, मनसब मिल गया इसको, 3-4 साल ये यहां रहा। 1611 में इन्होंने कोशिश की कि हम अपनी सूरत में यानी गुजरात में फैक्ट्री बना लें, लेकिन सूरत तक अधिकार चलता था पुर्तगालियों का, और जब उन्होंने सूरत में फैक्ट्री की कोशिश की तो वो बीच में रोकनी पड़ी क्योंकि पुर्तगाली बीच में आ गए, और उन्होंने कहा भाई तुम ऐसे कैसे हमारी परमिशन के बिना फैक्ट्री बना लोगे, पानी पर राज हमारा है यहां इंडिया के इलाकों पर। तो पुर्तगालियों की और अंग्रेजों की लड़ाई छिड़ी 1612 में गुजरात के पास, सूरत के पास एक इलाका पड़ता है स्वाली, वहां पर रेड ड्रैगन नाम की एक बहुत बड़ी शिप थी अंग्रेजों के पास। इस शिप के कारण पानी में लड़ाई हुई, वो उसके जहाजी बेड़ों को डुबो रहा है, वो उसके को, रेड ड्रैगन शिप के कारण अंग्रेज जीत गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हावी पड़ी पुर्तगालियों पर, पुर्तगालियों को झुकना पड़ा, हार माननी पड़ी, और तब जहांगीर को लगा कि यार पुर्तगालियों के सामने अगर हार मान ली, पुर्तगालियों ने अगर किसी से हार मान ली, इसका मतलब सामने वाले में कोई ताकत है, कोई दम है, क्योंकि पुर्तगाली देखो हिंद महासागर के स्वामी थे पुराने टाइम में, और आज पुर्तगालियों को पानी में लड़ाई में हरा दिया अंग्रेजों ने। इसीलिए 1611 में जो कंपनी फैक्ट्री बननी शुरू हुई थी सूरत में, वो तो दी थी। उसके बाद अंग्रेजों ने मसूली पट्टनम में फैक्ट्री अपनी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन मन में था कि सूरत में हमें फैक्ट्री चलानी है वापस, और इसीलिए स्वाली के युद्ध में पहले हराया पुर्तगालियों को, और फिर हक से कहा कि अब हम यहां पे फैक्ट्री बना सकते हैं, क्योंकि पुर्तगालियों का इधर था ना जहांगीर को, तो इसलिए उन्होंने अपनी फैक्ट्री बना के बढ़िया तरीके से काम किया। यानी अंग्रेजों की दो फैक्ट्री इंपॉर्टेंट है, एक सूरत की, एक मसूली पट्टनम की। पहली मसूली पट्टनम में डचों ने बनाई थी, जो ये सबसे पहले पुर्तगाली आए, ये कोचीन में पहली फैक्ट्री। अगर कहें डच की तो मसूली पट्टनम, आंध्र प्रदेश है मछलीपट्टनम। अगर कहें अंग्रेज तो कोशिश की थी सूरत में, लेकिन पहली फैक्ट्री बनाई थी इन्होंने भी मछलीपट्टनम में या मसूलीपट्टनम में। फिर बाद में स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों से जीतकर इन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। तो ये तीन इंपॉर्टेंट हैं जो हमें पता होने चाहिए। मैंने आपको तीन वैसे पढ़ा भी दिए थे, एक पुर्तगाली, एक हमने डच पढ़ा था, और एक और डेनमार्क शायद पढ़ लिया था। डेनमार्क ने कुछ नहीं किया, यहां आया कुछ साल, इधर उधर छुटपुट द्वीपों पर कब्जा किया, लेकिन फिर उसको समझ में आ गया कि यार मेरे बस की नहीं है, यहां
इतने लड़ रहे हैं, मैं क्यों फालतू में इनसे पंगे लूं, अंग्रेजों से और फ्रांसीसियों से लड़ने में मुझे क्या मिलेगा। तो उसने समझदारी की और 1616 में जो कंपनी बनी थी वो 1854 में जो छुटपुट जीते हुए इलाके थे ना, इनको सारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच चली कि भैया मुझे इतने 1000 रुपए दे दो, मेरे सारे इलाके तुम ले लो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यही चाहिए था कि धीरे धीरे करके सबका पत्ता साफ और सिर्फ मैं यहां रहूं। उसने तुरंत कुछ पेमेंट की और डेनिश जितनी छुटपुट टेरिटरी, ज्यादा नहीं थी, अंडमान निकोबार छोटे मोटे इलाके थे, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथों में ले लिए। ठीक है, तो पहले तीन पढ़ते हैं फिर चौथे और पांचवे के ऊपर बात करेंगे। आधुनिक भारत, ये स्टार्टिंग है मॉडर्न इंडिया की, और किताब में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि सिलेबस को कवर करवा देते हैं। ऐसे कहानियां सुनते सुनते तो सदियों बीत जाएंगी, कभी सिलेबस पूरा ही नहीं होगा, इसलिए किताब पढ़ी और पढ़ाई जाती है ताकि कंसाइज मिनिमम में मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएं। ठीक है, आधुनिक भारत, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, फॉर्मूला आपको पता ही है, यूरोपीय कंपनियों का जब भी भारत आगमन आएगा तो आपको फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है PDEDF, ये आने का क्रम है, लेकिन कंपनी बनने का क्रम था पी, इन दोनों को उल्टा कर दो EDDF। इसका क्या मतलब है, पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड वाले, डेनमार्क वाले और फ्रांस वाले। ठीक है, तो ये जो कंपनी बनी, ये बनने का क्रम है ये वाला PED, क्यों, क्योंकि ये कंपनी बनी है 1498 में, 1503 में तो इंडिया आ गई थी। इंग्लैंड वाली, ये जो इंग्लैंड वाली कंपनी है ये 1600 में बनी है, जो डच वाली कंपनी है ये 1602 में बनी है, डेनमार्क वाली कंपनी 1616 में बनी है और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनी है। कंपनी बनने में फॉर्मूले में दूसरे तीसरे की जगह पलट देना, 1600 और 1610, 1616, 1664 और 1498 में कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे तीन में दो, सेकंड थर्ड को उलट देना है। जो फॉर्मूला है आने का वो ये है PDEDF, पहले पुर्तगाली आए, फिर डी डच आए, क्योंकि डच पहले आ गए थे, फिर इंग्लैंड वाले आए और फिर डेनमार्क वाले आए और लास्ट में फ्रांसीसी आए, और जो ज्यादा लड़े आपस में वो ये दोनों हैं, इंग्लैंड और फ्रांस वाले ज्यादा लड़े कि इंडिया मेरा, इंडिया मेरा, क्योंकि इंडिया सोने की चिड़िया था और ये बात ये लोग जानते थे कि इंडिया पे जो राज करेगा वो खूब अमीर बन जाएगा। तो ये आने के साल मैंने बता दिया, 1498, 1600, 1602, 1616, 1664, ये सब तो 1600 में अकेली थी ये पुर्तगाली, तभी तो इनका राज चलता था, राज इन द सेंस इनसे जहांगीर ने कहा था ना, भाई मुझे नहीं पता, अंग्रेजों अगर तुम्हें कंपनी खोलनी है तो पुर्तगाली किसी तरह तुम इससे लड़ झड़ के तब फाइनल करो, तभी तो स्वाली का युद्ध हुआ पुर्तगाली। अब देखो, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम था PDEDF, पीछे है डेनमार्क, लंबा नाम, डच पहले है PDEDF। पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे, वास्को डी गामा जिसने समुद्री मार्ग की खोज की थी, पहला यूरोपीय व्यापारी था जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। इससे पहले यूरोप के व्यापारी ने आए थे, यूरोप वाले, ऐसा नहीं कि व्यापार नहीं था, लेकिन समुद्री रास्ते से नहीं आते, फारस की खाड़ी से आया करते थे। तो समुद्री मार्ग की खोज की, वो 17 मई 1498 को कालीकट यानी केरल के समुद्र तट पर उतरा। इस अभियान में अब्दुल मनीक, ये गुजराती है अब्दुल मनीक, जिससे उसने रास्ता पूछा, उसने बताया कि हाँ यहाँ इंडिया है, अब्दुल मनीक या मजीद भी लिख देते हैं, अब्दुल मजीद नाम का गुजराती उसका पथ प्रदर्शक था, वो क्या जानता था कि ऐसे आएगा फिर यहीं बस जाएगा, इसको पता, हाँ ठीक है मैं मदद कर दूंगा, आ जाओ। पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य को, जो उनका, उनके जो एक दबाव बना, उसको कहते हैं मुस्तादो द इंडियन, की कंपनी का नाम कहा गया है। पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ये काम का नाम शुरू हो गया अब, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, फ्रांस का नहीं है ये, इसका नाम है अल्मीडा। अल्मीडा ने शांत जल की नीति अपनाई, लेकिन उसने ऐसा दबदबा नहीं बनाया जैसा कि अल्बुकर्क ने बनाया। अगर कहेंगे हिंद महासागर के स्वामी किसके टाइम में बने, तो अल्बुकर्क के टाइम में, लेकिन अगर कहेंगे शांत जल की नीति की शुरुआत किसने की, शांत टाइप का ही, भैया हम ज्यादा टेरिटरी के अंदर नहीं घुसेंगे, वो पहले ने, लेकिन ज्यादा टेरिटरी पे छा गया और चोरी चकारी और पानी में और ये सब चीजें, वो अल्बुकर्क ने। ये देखो कितने छोटे टाइम के लिए आया था, 1505 से 9, 1509 में अल्बुकर्क, ये इंपॉर्टेंट है, अल्बुकर्क ये सेकंड है, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट में, वैसे तो ढेर आएंगे। भारतीय क्षेत्र में पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया 1510 में, बनते ही अगले साल बीजापुर के एक राजा थे यूसुफ आदिल शाह, इससे गोवा छीन लिया, और ये गोवा हमें वापस कब मिला है, 1961 में, देखना कब छीना था और कब वापस किया, 1509 में तो आया था, 10 में छीना था, सोचो 1510 यानी 1500 ही मान ले 10 ही साल बीते थे, 1600, 1700, 1800, 1900, यानी कितने साल तक पुर्तगालियों के हाथ में रहा गोवा। इसीलिए आज भी जब आप गोवा घूमने जाते हैं तो आपको लगता है कि हम इंडिया में नहीं है, आज भी उनका कल्चर, उनका रहन सहन, उनका पहनावा सब कुछ विदेशी प्रतीत होता है, इंडिया की झलक कम है वहां और विदेशों की ज्यादा, इसी कारण, क्योंकि देखो कब से कब तक इनके कब्जे में रहा, 1510 से। अल्बुकर्क ने यहीं पे तो सती प्रथा लागू की थी कि भाई बंद करनी है, सती प्रथा बैन की थी, लागू नहीं, बंद की थी, ताकि ये विधवा जो औरतें हैं इनके खाने कमाने का कोई जरिया नहीं, ससुराल वाले इनको अपनाएंगे नहीं, घर वाले इनको लेंगे नहीं वापस घर में, तो क्या करेंगे, परेशान होकर, दुखी होकर, और वो हमारे साथ शादी कर लेंगे और अगली जो पीढ़ियां आएंगी आज से 100 साल बाद ये पुर्तगाली ही पुर्तगाली दिखेंगे सारे, और ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ आगे देखो, गोवा छीन लिया, इसके बाद ये सब काम का है जो टिकमा किया है। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, पुर्तगाली वायसराय,
नानहू डी कुन्हा, जिसने देखो वो अरब सागर बताया मैंने आपको, वो किला बना हुआ है वहां, इसका नाम लिखा हुआ है आज भी। पुर्तगाली वायसराय नानहू डी कुन्हा 29 से 38, कहने को तो इसने 10 ही साल काटे पर काम बहुत किया ने। 1530 में आते ही अगले साल कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। पूछेंगे गोवा छीना किसने, दूसरे वाले ने। राजधानी किसने बनाई, तीसरे वाले ने। पहली राजधानी इनकी कोचीन थी, फिर गोवा छीन लिया अल्बुकर्क ने, लेकिन अल्बुकर्क ने राजधानी नहीं बनाई, वो राजधानी बनाई तीसरे वाले ने, नूना डी कुन्हा ने। वो 1509 में आया, 10 में छीना था ना उसने, ये 29 में आया, 30 में इसने राजधानी बना दी। तो गोवा राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कोचीन में खोली, जहां आए वहीं तो कोठी बनाएंगे, कोचीन में पहली। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में तो ढेर आएंगे क्योंकि लगा लो बहुत लंबे से टाइम तक ये बैठे रहेंगे, इन्होंने ईसाई धर्म के लिए कामकाज शुरू कर दिया था। तो अल्फांसो डिसूजा एक आदमी था के साथ प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेपियर भारत आया, जिसने अपना जो धर्म है ना इनका, कौन सा धर्म है इनका, ईसाई धर्म, जीसस क्राइस्ट के बारे में बड़ाई करना, मंदिर मंदिर तोड़ दिए थे, चर्चेज बनने लग गए थे, उसमें ये अपनी प्रेयर्स करने लग गए थे। तो धीरे धीरे इंडियन आबादी, अब जैसे जो औरत हिंदू थी मान लीजिए, उसने किसी पुर्तगाली से शादी की, तो जो उसकी अगली पीढ़ी आगे आएगी उसके अंदर पुर्तगालियों वाले गुण, तो भाई बाप से, इंडिया तो वैसे भी पितृसत्ता की, बाप की जो जात पात है वही बच्चे की जात पात मानी जाएगी, तो वो बच्चा चर्च में जाएगा, प्रेयर करेगा, तो धीरे धीरे करके कल्चर पूरे का पूरा ईसाई बन जाएगा, वही इनका प्लान था। तो ये आया था जेपियर भारत। नेक्स्ट, 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से बाहर कर दिया। ये धीरे धीरे क्या कोशिश करने लगे कि हम इंडिया में टेरिटरी में घुस जाएं, पानी में तो थे ये लगा लो सूरत से लेके बंबई से लेके नीचे केरल, फिर इधर आ जाएं तो ये अपना तमिलनाडु वाला इलाका, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, ऊपर हुगली, ये पूरा पानी का इलाका है। आज भी आप जानते हैं 9 राज्य हमारे पानी के साथ सीमा टच करते हैं, तो इसने कोशिश की कि मैं हुगली यानी बंगाल की तरफ आऊं। शाहजहां ताकतवर था, इसको निकाल के बाहर किया, पुर्तगालियों को हुगली से बाहर कर दिया। 1622 में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को भूमि प्रदान किया। ये थोड़ा सा सन में गलती है, 1622 नहीं था ये 1661 से 1664 के बीच की घटना है, सन नहीं पूछेंगे, लेकिन ये थोड़ा जल्दी दे रखा है, ये 1600 मेरे ख्याल 64 की या 68 की घटना थी। पुर्तगालियों ने इतना याद रखना, अंग्रेजों को बंबई दिया, क्यों दिया समझे, क्योंकि पुर्तगालियों के इलाकों को डच छीनते जा रहे थे और इनको लगा ये बंबई भी हाथ से जाएगा, क्यों बेइज्जती करानी, डच क्यों ले, हम इसको अपना पहले ना दहेज में दे देंगे, और फिर अगर डच लड़ेंगे अंग्रेजों से तो भुक देंगे, क्योंकि ये जानते थे कि अंग्रेज वही हैं जिन्होंने हमें स्वाली के युद्ध में हराया था। तो उन्होंने कहा ठीक है अंग्रेजों को करने दो राज, और अंग्रेजों को इन्होंने बंबई दे दिया। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बंबई प्रदान किया। कैथरीन थीन की बेटी और उनका था चार्ल्स नाम का राजकुमार, उनकी शादी में। पुर्तगालियों की ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, शांत जल की नीति, जिसपे पहला काम तो किया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, लेकिन उसका यूज किया था अल्बुकर्क ने, जिसने की गोवा छीना था बीजापुर के राजा आदिल शाह से, वही है वो। तो ब्लू वाटर पॉलिसी पूछेंगे तो पुर्तगालियों की है, पहले वाले का नाम टिक कर देना, के कारण इन्होंने हिंद महासागर पर अपना एकाधिकार कायम किया। इनकी परमिशन के बिना अगर कोई भी जहाज जाएगा, चाहे अकबर का हो, लूट लिया जाएगा, इतनी चलने लग गई थी इनकी महासागर में, और इसलिए हिंद महासागर के स्वामी कहलाते हैं। इसका कारण मैंने आपको बताया था, ये बहुत चालाक थे। देखो इन्होंने क्या किया, ये मान लो इंडिया का दक्षिणी हिस्सा है, इसके बहुत नीचे और जाके यहां पे थोड़ा सा और नीचे बने, अगर मैं यहां बनाती हूं, देखो ये इंडिया, यहां बहुत नीचे जाके ना इस तरफ को मलक्का मलाया, और इधर जाएंगे अफ्रीका की तरफ तो यहां पर मान लीजिए फारस की खाड़ी, हरमुज की, ये इस पूरी बेल्ट के स्वामी थे, यानी यहां जितना व्यापार होगा चाहे अरब सागर में, हिंद महासागर में या बंगाल की खाड़ी में, वो इनकी परमिशन के बिना नहीं होगा। और इन पे हावी हुए थे स्वाली के युद्ध में अंग्रेज, तो पुर्तगाली एक बात समझ गए थे कि अंग्रेज ताकतवर है और डचों को भगाने में अंग्रेज हेल्प कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा हमारा ये इलाका अंग्रेजों का, अंग्रेज लड़ेंगे डच से अपने आप। ठीक है, तो एक अधिकार कायम किया। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंद महासागर पर, समझ में तुम्हें आ गया, अपनी नौसेना, इनकी नेवी बहुत अच्छी थी। तुम्हें याद है फादर ऑफ नेवी हमारा एक आदमी था, कौन था वो, टीपू सुल्तान, वो कहलाते हैं फादर ऑफ नेवी, वो बहुत समझदार थे वो भी। नौसेना के आधार पर पुर्तगालियों ने भारत में घोड़े के आयात पर एकाधिकार कायम कर लिया। तो घोड़ा जो है ना, इसका व्यापार करते थे पानी के जहाजों में बैठा के, घोड़े, अरबी घोड़े और अलग अलग नस्ल के घोड़े लाते और ले जाते थे, तो पानी के जहाज में लाए जाएंगे। अब पानी के जहाज भारी भारी जहाजों में, तो बोले कि इन पे हमारा एकाधिकार है, इसके अलावा कोई इनको ना लाएगा ना बेचेगा ना खरीदेगा। ठीक है, तो पानी के कारण नौसेना, नौसेना नेवी के आधार पर घोड़ों पर इनका एकाधिकार। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती, तंबाकू जो ये बीड़ी सिगरेट में भरते हैं ना, ये इनकी देन है, और प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ किया। प्रिंटिंग प्रेस जो यूरोप में आई थी, जिसको गुटेनबर्ग ने शुरू किया था, पेपर में आता प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक कौन है, तो प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग की देन है। वो इंडिया में लाने का जो श्रेय है वो जाता है पुर्तगालियों को। तो तंबाकू की खेती पूछे, प्रेस पूछे इंडिया में किसकी देन है, तो पुर्तगालियों की। और हिंद महासागर के स्वामी भी ये हैं, और नौसेना इतनी ताकतवर है नेवी, तभी तो पानी पर राज करेंगे जब नेवी ताकतवर होगी, कि घोड़े के आयात पर एकाधिकार इनका, ये लाएंगे बस और कोई नहीं लाएगा। ठीक है,
पुर्तगालियों ने गोवा के आसपास सती प्रथा पर पाबंदी लगाई। कारण तुम्हें समझ में आ गया? हमारे फायदे के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए, क्योंकि यहां आएंगे, यहां बसेंगे, तो यहां जनसंख्या बढ़ानी है ना, तो यहां की औरतों से शादी कैसे कर सकते हैं? कोई वैसे तो करेगा नहीं इनसे शादी, भाई विदेशी इनसे कौन शादी करेगा। लेकिन अगर सती प्रथा को इन्होंने देखा कि इनके पास छत नहीं है, खाने को इनके पास कुछ नहीं है, ये परेशान है, और ऐसे थोड़े कि मरना बहुत आसान है। अब मान लीजिए कोई 12 साल की बच्ची विधवा हो गई, हस्बैंड पुराने टाइम में हमारे यहां ये था बाल विवाह, तो वो क्या करे? 12-13 साल की बच्ची कहां जाए? ना उसके घर वाले उसको अपनाए, ना ससुराल वाले। तो इन्होंने कहा हमारे एरिया में कोई सती प्रथा नहीं मिलेगी, और हमारे एरिया में बैन कर दी, जितनी महिलाएं सती हुई, जितनी बच्चियां, उन सबको इनसे शादी करनी पड़ी, तो इनकी आबादी बढ़ गई। ये तो बहुत लंबी प्लानिंग थी इनकी। पुर्तगाली 1961 तक भारत में रहे। देखो कब आए हैं, 1503 में ये लगा लो इन्होंने यहां शुरुआत की, काम की। 5 में इनका पहला आदमी आया, जिसने कोचीन में अपनी फैक्ट्री बनाई। फिर 1509 में दूसरा आदमी आया, 10 में उसने गोवा छीना, और फिर 30 में जाके गोवा इनकी राजधानी बनी, और गोवा हमें वापस देंगे 1961 में, वो भी लड़के, मार खाके और यहां पे मर के। पुर्तगाली 1961 तक भारत में रहे, तब उन्होंने गोवा को स्वतंत्र किया। तो गोवा कब आजाद हुआ? 1961 में। और ये पूर्ण राज्य जानते हो कब बना? 1987 में। 61 में बेशक आजाद हो गया, लेकिन हमने अपना राज्य नहीं बनाया, पूर्ण राज्य बनाया गया 1987 में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां खोली थी? कोचीन। फिर गोवा जीता था, फिर गोवा में अपनी राजधानी बनाई थी। पुर्तगालियों ने भारत में गोथिक कला, ये गोथिक कला क्या है इसको बता दूं। गोथिक कला ना आर्किटेक्चर का एक एग्जांपल है, बिल्डिंग बनाने का एक तरीका है ये। मान लीजिए इसमें बिल्डिंग में ना ऐसे तिकोने टाइप के ऐसे खड़े कर दिए जाते हैं पिलर्स, जिससे बिल्डिंग का आकार, ऊंचाई पर बिल्डिंग का आकार बहुत विशाल लगता है, कि बहुत भारी बिल्डिंग है। आप कभी भी देखना, आजकल जो घर बनने लग गए ना, अब घर नॉर्मल सादे घर नहीं बनते। जैसे हमारे पेरेंट्स के टाइम में घर का मतलब था 2 नॉर्मल से कमरे बना लो, 3 कमरे बना लो, पैसा हो तो एक एक करके बढ़ाते जाओ। हमारे टाइम में ना घर भारी भरकम नहीं दिखाना होता जब हम छोटे थे, लेकिन आज आप देखो जो भी घर बनाता है अब, वो कोशिश करता है कि घर का लुक बहुत अच्छा हो, बहुत भारी भरकम हो। ये गोथिक कला ऐसी ही थी, जिसमें बिल्डिंग बहुत विशाल लुक देती थी। तो ये आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है, यूरोप से ये कला आई है, और कहते हैं सबसे पहले तो ये जर्मनी में आई थी, लेकिन वहां से फिर इंडिया में जो लाया है वो पुर्तगाली लाए हैं। गोथिक कला एक बिल्डिंग बनाने का स्टाइल मान लो, गोथिक कला। तो अगर पूछें भारत में गोथिक कला का जन्मदाता कौन है, तो आप टिक करोगे पुर्तगाली। यही प्रिंटिंग प्रेस लाए हैं इन्होंने, तंबाकू की खेती हमें समझाई इन्होंने, पानी पे एकाधिकार कर लिया, नौसेना के दम पे घोड़ों के आयात पे इनका एकाधिकार था, शांत जल की नीति इनकी थी, गोवा इन्होंने हमसे छीना, पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाई, बाद में इन्होंने राजधानी गोवा में ट्रांसफर की। तो कुछ खास बातें हैं जो आपको याद रखनी है, और मुझे लगता है सुन के चीजें याद भी हो जाती हैं। डच कौन है? डच जो हॉलैंड के, पहले हॉलैंड बाद में नीदरलैंड के निवासी हैं, जैसे भारत से भारतीय बन गया, पाकिस्तान से पाकिस्तानी बन गया, है ना, अमेरिका से अमेरिकी बन गया, तो ऐसे इनसे, नीदरलैंड से कोई शब्द ही नहीं बन पा रहा था, इसलिए कहा कि यहां के निवासियों को हम क्या नाम दे देंगे, डच, DUTCH, डच। अब क्या कह रहे हैं, पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आए। डच क्यों आए? कंपनी इनकी बनी थी 1602 में, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1600 में, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे आदमी भेज रही थी, ये तुरंत आ गए अपना कि भैया चलो हम देखते हैं कहां हो सकता है। 1596 में भारत आने वाला पहला डच नागरिक था कार्नेलिस डी हाउटमैन, ये पहला डच था, किया ऐसे कुछ नहीं, बस हाउटमैन याद रखना। 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स अस्तित्व में आई, तो इन्होंने अपनी कंपनी बनाई, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस्तादो कंपनी थी, कंपनियों के नाम थे ना, ऐसे इनकी कंपनी का नाम है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे यूनाइटेड है तो किसकी है? डच की, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है तो ब्रिटेन की। ईस्ट इंडिया हमें कहते थे, इंडिया तो हम थे ही, ईस्ट इंडिया कंपनी सारी है, नाम आगे अपने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया का मतलब हमारी तरफ, और ब्रिटिश, फ्रेंच और यूनाइटेड मतलब ये देश, ठीक है। ये अस्तित्व में आई 1602 में। 1605 में डच कंपनी ने मसूलीपट्टनम, पेपर में आएगा, अभी पिछले वाले कहां थे, वो कोचीन में थे ना, मसूलीपट्टनम मतलब मछलीपट्टनम यानी आंध्र प्रदेश। तो देखो वो लोग जो थे जिस साइड वो थे, अभी पुर्तगाली हम पढ़ रहे थे वो यहां थे, तो ये यहां आए। इन्होंने उनके साथ सीधे पंगे नहीं लिए, पहले अपना दूसरी साइड, अपनी कोठी, अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। फैक्ट्री का मतलब एक, ये मान लीजिए चार दीवारी सी करके, और थोड़ा सा जैसे आज टीन डाल दें हल्का सा, एक इस तरह का काम कि भाई हम यहाँ पे जो अपना सामान खरीद के इंडियन से उनको पैसे देंगे, बदले में सोना देंगे, और यहां रखेंगे, फिर यहां से हमारे जहाज आएंगे हमारे देश से, हम उसमें सामान लाद देंगे। तो एक टेम्परेरी सा, एक ये मान लीजिए जैसे स्टोर हाउस होता है ना, गोदाम होता है टेम्परेरी टाइप का, इस टाइप की फैक्ट्रियां थी, अभी भारी भरकम नहीं है ये। इसके बाद 1610 में, अब देखो धीरे धीरे इनकी हिम्मत देखना, पुलिकट तमिलनाडु, पहले आंध्र प्रदेश में थे अब तमिलनाडु में, डचों ने अपने स्वर्ण सिक्के, अपने सोने के सिक्के ढालने लग गए, कि अपनी यहां मिंट बना ली, अपनी यहां टकसाल, अपने सिक्के बनाने लग गए। तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। चिनसुरा 16, ये सारे नाम नहीं आएंगे, सिर्फ सुन लो, कोचीन में भी आ गए, अब ये जिस तरफ पहले कौन थे, पुर्तगाली, अब ये भी आ गए। फिर इसके बाद ये सूरत भी चले गए, जो अंग्रेज चाह रहे थे कि हमें मिल जाए। फिर नागपट्टनम में आए, बालासोर में, कासिम बाजार, पटना, अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली। नाम एक एक नहीं याद करना, पहली पूछेंगे, लेकिन एक आइडिया दिया है कि अब देखो धीरे धीरे करके ये बढ़ते 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 चले गए। 1602 में तो ये कंपनी बनी थी, फैक्ट्री बनी थी, और अब देखो 1600 ये लगा लो कि लगभग 60-63 तक, यानी अगले 50-60 साल में ये पूरे इंडिया के निचले पानी के हिस्से में आने लग गए। ये कोशिश करें यहां भी फैक्ट्री, यहां भी फैक्ट्री, यहां भी फैक्ट्री, यहां भी, तो इनकी लड़ाई तो होगी होगी, जो इतना बढ़ेगा वो दूसरे की टेरिटरी में तो घुसेगा ना। आगे क्या बता रहे हैं देखो,
1639 में डचों ने गोवा पर आक्रमण कर दिया। इस गोवा को हम याद करें, अभी हम पढ़ रहे थे कि गोवा पहले हमारे बीजापुर का इंडियन एक राजा के अंडर था। इसके ऊपर 1510 में किसने कब्जा कर लिया था गोवा के ऊपर? 9 में जो आदमी आया था उसका नाम था अल्बुकर्क, उसने कब्जा कर लिया, राजधानी बनाई थी 35 में जाके। तो गोवा अब किसके पास था? पुर्तगालियों के पास। तो सोचो गोवा पुर्तगालियों का है और पुर्तगालियों के हिस्से पे कौन कब्जा जमाने की कोशिश में है? डच। तो आपस में लड़ेंगे, आक्रमण किया। 1641 में मलक्का पर नियंत्रण, मैंने अभी भी बताया आपको कि इन पुर्तगालियों का हरमुज से मलक्का, मलाया यानी इंडिया के दो हिस्से बनाए थे ना नीचे महासागर में, उस पर इन्होंने अधिकार कर लिया। तो मलक्का यानी डच धीरे धीरे किसका हिस्सा खाते जा रहे हैं? पुर्तगालियों का। कायदे से तो उनका भी नहीं हमारा है, लेकिन अब पुर्तगालियों को टक्कर देने आने लग गए हैं डच। तो मलक्का पर नियंत्रण के बाद श्रीलंका, ये लंका भी तो पुर्तगालियों ने छीना था, मतलब इनका वो था, पर अधिकार कर लिया। तो अब ये समझना है कि पुर्तगालियों की टेरिटरी पर कौन हावी होते जा रहे हैं? डच। अभी तक पुर्तगाली नाच रहे थे कि भाई हम हीरो हैं हम, अब ये डच आ गए। डचों ने पुलिकट में, पुलिकट मतलब तमिलनाडु, ये बताया था, अपने सिक्के जहां ढाले में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन कराया। पुर्तगालियों के सिक्के नहीं पढ़े थे, उनकी तंबाकू की खेती पढ़ी, प्रिंटिंग प्रेस पढ़ी, गोथिक कला पढ़ी, गोवा छीना आगे हैं। इन्होंने तमिलनाडु की तरफ अपने सिक्के भी ढालने शुरू कर दिए, तो ये मानो कि उनसे एक कदम आगे निकल गए। नेक्स्ट, डचों ने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे, यानी सैलरी पे आदमी रखे इंडिया में, भाई तुम्हारा काम कर दो इसके बदले हम ये सैलरी दे देंगे। तो डचों ने यहाँ के लोगों को भी सैलरी पर रख लिया, पुर्तगालियों ने हमें नहीं रखा था। पुर्तगालियों ने देखो अपनी आबादी बढ़ाई थी, पुर्तगालियों ने हमारी इंडियन महिलाओं से शादी करके अपनी आबादी बढ़ाई थी, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? इंडियंस को ही नौकरी दे रहे हैं, जो भाई जो किसान गरीब है, कोई मजदूरी करता है, खेती में हिसाब किताब नहीं है, तो उनको ये वेतन भोगी रख रहे हैं, यानी सैलरी पर रखने लग गए थे डच हमें। नेक्स्ट, 1759 में बेदरा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये काम का है, इसको ध्यान से समझेंगे। अब बेदरा, अब आपको जितना समझ में आया होगा, पुर्तगाली सबसे पहले यहां आके छा गए थे, पुर्तगालियों को टक्कर देने के लिए आ गए थे डच, और धीरे धीरे पुर्तगालियों के मलक्का पर, श्रीलंका पर, सूरत पर इन्होंने कब्जा करना शुरू किया। पुर्तगाली धीरे धीरे किससे दबने लग गए? डच से। और डच जो है ये दबेंगे अंग्रेजों से। अंग्रेजों की और पुर्तगालियों की भी तो टक्कर हुई थी ना, जब सूरत में वो फैक्ट्री खोलने की कोशिश में थे, स्वाली का युद्ध हुआ था। तो पुर्तगाली मन में ये जान चुके थे कि भैया अंग्रेजों को हराना मुश्किल है, और हमें कौन परेशान कर रहे हैं? डच। तो डच हमारे बंबई पे नजर उठा रहे हैं, तो हम बंबई किसको पकड़ा देंगे? अंग्रेजों को। हमारी लड़ाई हट गई, यानी अब लड़ेंगे अंग्रेज और डच, क्योंकि पुर्तगाली पीछे, भैया जितने में हम उतने में खुश हैं, बस गोवा हमें दे दो, दमनदीव छुटपुट हमारा रहेगा, हमें नहीं चाहिए ज्यादा। और आपस में कौन लड़ लो बेशक? अंग्रेज और डच। अंग्रेज और डच लड़ेंगे आपस में, और अंग्रेज इतने ताकतवर हैं कि इन डचों को यहां से भगा देंगे बेदरा की लड़ाई में, बिना डर के कर दिए ये, ऐसे याद कर लेना बेदरा, वरना बाद में याद नहीं आता, बिना डर के कि भागो यहां से। कौन भगा दिए? डच। ये अंतिम युद्ध था जिससे ये क्लियर हुआ कि इंडिया में इन दोनों का नहीं बल्कि अंग्रेजों का राज चलेगा। ठीक है, वही पॉइंट है, देखो बेदरा की लड़ाई 1759 में, यानी 1757 की प्लासी की लड़ाई हो चुकी है, उसके बाद बेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों का हेड कौन? क्लाइव के हाथों पराजित होने के बाद डच कंपनी का नियंत्रण भारतीय क्षेत्रों से समाप्त हो गया। गए डच, जो 1602 में आए थे ना, ये 1760 आते आते बिना डर के हो गए, यानी कुछ अपना पैसा कमाया, लूट के ले गए, उसके बाद यहां से गायब हो गए। किसने हटा दिए? इसने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। पुर्तगाली मजे कर रहे होंगे कि भैया लड़ लो हमें क्या है, डच उन पे हावी हुए और डचों पे हावी साबित हुए अंग्रेज, जो कि रिश्तेदारी में भी आ चुके हैं पुर्तगालियों के में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में डचों के आगमन के कारण, जैसे अगर पूछे पुर्तगालियों से, तो हमें गोथिक कला, बिल्डिंग बनाने का स्टाइल आया था, तंबाकू की खेती आई थी, और प्रिंटिंग प्रेस, इनका फायदा क्या हुआ? डचों के आगमन के कारण भारत में सूती वस्त्र उद्योग निर्यात की सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गया। इंडिया जो है ना, ये आज से नहीं, इंडिया हड़प्पा काल से कहलाता है सिंडोन। देखो हमें पुराने लोग सिंडोन सभ्यता कहते थे, इस सिंडोन का मतलब था कपास, और इंडिया का जो ये कॉटन है ना, इंडिया का जो कपास है, ये इतनी अच्छी चीज थी कि इसकी वर्ल्ड लेवल पे डिमांड थी, और विदेशों में ये कॉटन नहीं पैदा होता, खासकर यूरोप में तो कॉटन ना के बराबर है, कंडीशंस ही नहीं है, जैसी गर्मी सर्दी चाहिए इसको वो नहीं है वहां। तो कॉटन का कपड़ा शरीर को बहुत अच्छा लगता है, आप कोई भी कपड़ा पहनो सिंथेटिक तो परेशान रहते हो, लेकिन कॉटन का कपड़ा जितना धुलता जाएगा उतना वो और सॉफ्ट होता जाएगा, उतना वो घुटता जाएगा, उतना बढ़िया होता जाएगा, और कॉटन का कपड़ा शरीर को कभी चुभता नहीं है, चाहे नया हो चाहे पुराना, पुराना होते होते जितना घिसेगा उतना और अच्छा और ज्यादा शरीर पे फबने लगेगा। ये कॉटन की डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो कॉटन के कपड़े का इंडिया से जो हमारा इंट्रोडक्शन है ना कि बाहर बहुत निर्यात बढ़ा, यहां सोना देके जाते थे बदले में कॉटन के कपड़े, कपास लेके जाते थे, तो इसकी जो एक्सपोर्ट है वो सर्वोच्च पहुंचा था। अंग्रेजों के टाइम तो ऐसा दे गए थे, तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग निर्यात, यानी बहुत कपड़ा लाद लाद के ले गए डच, की सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गया। तो जैसे उन लोगों से हमने प्रिंटिंग प्रेस के बारे में जाना, तंबाकू के बारे में जाना, गोथिक कला के बारे में, इनसे हमारे टाइम में बहुत फायदा हुआ, क्योंकि सूती कपड़े का सबसे ज्यादा निर्यात जो हुआ वो डचों के टाइम में। डचों ने टक्कर किसको दी है? पुर्तगालियों को। और किससे हारे हैं? अंग्रेजों से। ठीक है,
चलिए, तो सूती कपड़ा का निर्यात पूछेंगे तो डच टिकट करना। अब कंपनी और स्थापना वर्ष दिखा रहे हैं आपको, ये मेन है पांच कंपनियां। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, सबके नाम में ईस्ट इंडिया आएगा। ईस्ट इंडिया मतलब अंग्रेज नहीं है, ईस्ट इंडिया मतलब हम। इसके अगले जो शब्द है बस वो बदलेंगे, बाकी कंपनियों का नाम होगा। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टादो या उस्तादो द इंडिया, ये 1498 में बनी, 1503 में यहां आई, 1505 में इनका पहला गवर्नर आया। नेक्स्ट, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, ये लंबा चौड़ा नाम, आप इसको BEIC कहते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका राज चला 1600 में बनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वेरेगदे ओस्ट इंडसे कंपनी, विदेशी नाम है, डच ईस्ट इंडिया हम बोलते हैं, 1602 में बनी, लेकिन पहले ये आएगी बाद में ये आएगी। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में बनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। तो एक आपको याद करनी है, ये 1498 जो कि यहां पहुंची है 1503 में, बाकी सारी 1600 की है, 1600 में बनी है, 1602 में, 1616 में, 1664 में। सबसे लेट फ्रांस वाली बनी, उससे पहले डेनमार्क वाली बनी, उससे पहले डच बनी थी और उससे भी पहले बनी थी अंग्रेजों वाली, लेकिन जब यहां आए तो अंग्रेज पहले आए। PDEDF यहां आने का क्रम है, बनने का क्रम सेम है, सेकंड थर्ड को उल्टा कर देना, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा अच्छी तरह, बहुत बार आता है बच्चों को आता नहीं है, स्वीडिश ने कोई खास किया ही नहीं, वैसे 1731 में बनी, सबसे लेट बनी है, हमसे ज्यादा लिंक इसका नहीं है। अच्छा, इन्होंने जो है इसमें दूसरी फाइल उसने लगाई है, ये वाली है, हाँ यही तो फाइल, अच्छा ऊपर है, ठीक है। अंग्रेज तो हमने दो पढ़ लिए ना, दो कौन कौन से पढ़ लिए, पुर्तगाली और डच, तीसरे आ गए अंग्रेज। अंग्रेजों का तो बहुत बहुत बड़ा काम है यहाँ, मैंने अंग्रेज ना आपको आधा समझा दिया था, आधा रहता था, लेकिन उतना पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो अंग्रेजों के बारे में बता रहे हैं, 1599 में जॉन मिल्डन हॉल, ये बिल्कुल गलत है किताब में, इसको ठीक कर लेंगे, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, किताबों में ना बहुत सारी चीजें गलत होती हैं। 1599 में जॉन मिल्डन हॉल नहीं आया था, सुन लो सभी लोग, 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, कंपनी बनी, ठीक है। अब यानी 1600 आ गया लगभग, 1601 में एक आदमी आया केंस्टर नाम का, 1604 में आया ये जो लिखा ना जॉन मिल्डन हॉल, मिल्डन हॉल, ये मिल्डन हॉल ना पहले भी आया था इसके साथ केंस्टर, लेकिन तब लीडर बन के आया, यानी मिल्डन हॉल दो बार आ चुका, 1601 में भी आया केंस्टर के साथ, इन्होंने कोई बातचीत नहीं की, यहां आए देखा और चले गए और देख गए कि यहां अकबर का राज है, अकबर के पास नवरत्न है, अकबर बहुत बड़ा बादशाह है, बहुत बड़ी टेरिटरी का मालिक है, कुछ नहीं पूछा किसी से, आए देखा घुमा और चलते बने अकबर के टाइम में। तो पहला केंस्टर है, फिर मिल्डन हॉल, और जाके इन्होंने अकबर की गाथा गाई अपनी कंपनी में, किया वहां तो ऐसे ऐसे बहुत बड़ा राजा है, उसके सामने सब जो है दबते हैं और डरते हैं और उसके सामने टिकना बड़ा मुश्किल है, पता नहीं परमिशन देगा कि नहीं देगा। फिर उस कंपनी ने दो चार साल वेट किया कि देखते हैं क्या प्लानिंग करें क्या ना करें। 1608 में उन्होंने पहली बार एक आदमी को भेजा जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंस, कि भैया तुम जाओ, इसने मेहनत की, तुर्की भाषा सीखी, कि मैं जाऊंगा अकबर को इंप्रेस कर लूंगा, और अकबर बड़ा दानी टाइप का आदमी है, अकबर को महान भी तो कहते हैं, और अकबर जो है हो सकता है हमें भी व्यापार की आज्ञा दे दे, क्योंकि पुर्तगाली और डच तो ऑलरेडी कर रहे हैं व्यापार। 1608 में जब ये हॉकिंस आया तब तक अकबर एक्सपायर हो चुके थे, क्योंकि अकबर 1605 में मर गए। इनकी मुलाकात होती है जहांगीर से, आगे की कहानी मैंने आपको सुनाई रखी है, कि जहांगीर जो है शराब देते हैं उसको और खुश हो जाता है, कहता है यार मैं तो तुम्हारी फैक्ट्री लगवा लूं, पर ये पुर्तगाली नहीं लगवाने देंगे, और यही कारण था कि सूरत में बनने वाली फैक्ट्री को बीच में रोकना पड़ा। स्वाली का युद्ध हुआ तब तक नीचे मुसलीपट्टनम में फैक्ट्री बन गई, फिर वापस फैक्ट्री बनी थी सूरत की, इसी कारण, वही पढ़ रहे हैं हम आगे। तो क्या कह रहे हैं ये थोड़ा सा गलत है, इसको ठीक कर लेना। 1599 में जॉन मिल्डन हॉल नहीं आया था, मिल्डन हॉल 1601 में आया था किंस्टेल के साथ, किंस्टन के साथ, और बाद में आया था 1604 में। नाम फेमस इसका है ज्यादा, 1604 वाले का, ठीक है। 99 में कंपनी बनी थी। आगे देखो, 31 दिसंबर 1600 में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ जिसको आप कहते हैं, प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। तो उसने अधिकार पत्र दिया कि भैया तुम कर लो व्यापार, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 15 साल दोबारा अगर व्यापार करना तो मुझसे परमिशन लेना। तो उसने अधिकार पत्र दिया। प्रारंभ में कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। तो गवर्नर जो था वो तो टॉम स्मिथ था। 217 साझेदारों का पैसा लगा था। एक कंपनी बनती है इंग्लैंड में, महारानी ब्रिटेन को कहते हैं महारानी हमें ना इंडिया के साथ व्यापार करना है तो परमिशन मिल जाएगी। महारानी कहती है ठीक है, चार्टर दे दिया, 15 साल की परमिशन है, जाके व्यापार करो, ठीक है। नेक्स्ट, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। कंपनी 1599 के दिसंबर में बनी, इसलिए 1600 कह देते हैं। 1609 में, ये आठ है, प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस, हर किताब में ना एक आधा साल ऊपर नीचे कर देते हैं, तो कैप्टन हॉकिंस ये काम का है, कैप्टन हॉकिंस ये पूछ लेंगे। कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया, लेकिन परमिशन नहीं दे पाया, क्योंकि जहांगीर को लगता था कि यार पुर्तगालियों के सामने मेरे पिताजी की भी शिप पर कार्टेज कागज चिपकता था परमिशन का, तो मैं कौन होता हूं ये कहने वाला कि पानी पे तुम्हारा अधिकार। 1611 में दक्षिण पश्चिम समुद्र तट
पर सबसे पहले अंग्रेजों ने, देखो 1611 में सबसे पहले इन्होंने क्या किया, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे, पेपर में आ जाएगा कौन सी नदी के किनारे स्थित है मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम, तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे, पूछ लेते हैं नदियां, में व्यापारी कोठी की स्थापना की। डचों ने भी यही बनाई थी, अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में बनाने का प्लान नहीं बनाया, प्लान था सूरत का, और सूरत में फिर पुर्तगालियों का डर था, मना करवा दिया, बीच में काम रुकवा दिया, फिर कोठी पूरी हुई डचों वाली जगह पे, लेकिन बाद में फिर सूरत पे बनाएंगे। आगे देखो, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में 1608 में बनाने की कोशिश की थी, कोशिश थी बस, परंतु पुर्तगालियों के विरोध के कारण काम बीच में अटक गया था, जो 1613 में पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद? 1612 के स्वाली के युद्ध के बाद। ये पेपर में आ जाएगा, ये स्वाली ऐसे भी लिख देते हैं, कहीं कहीं सुवाली ऐसे भी लिखा मिलेगा। 1612 में किस किस के बीच हुआ ये? अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच, और अंग्रेज जीत गए। पुर्तगाली, जिनका कि 100-150 साल से कब्जा था पानी के हिस्से पर, वो हारे, और इस हार का एक बड़ा कारण बताते हैं, एक शिप थी अंग्रेजों के पास, रेड ड्रैगन, एक पेपर में पूछा गया था, रेड ड्रैगन, इस शिप के कारण ये जीते, बहुत मतलब बहुत ताकतवर जहाजी बेड़ा था, पुर्तगालियों को इसने हरा दिया इसके कारण। फिर इसके बाद देखो 12 में जीते, फिर 1613 में पूरा हुआ, किसका काम? ये फैक्ट्री सूरत वाली का, लेकिन सूरत से पहले फिर इनका काम पूरा हो चुका था ऑलरेडी मसूलीपट्टनम में, ठीक है? तो अब ये ध्यान रखना है, हमें दोनों के कारण अलग अलग हैं। पूर्वी तट पर अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में, डच भी यहीं थे, 1611 में बनी, जबकि पश्चिमी तट पर पूछेंगे तो सूरत में। अब पेपर की भाषा पकड़नी पड़ेगी, अगर वो कहें अंग्रेजों ने पहली कंपनी, पहली फैक्ट्री बनाने की कोशिश कहां की थी? सूरत में, यानी पश्चिमी तट पर। फिर कहेंगे पहली फैक्ट्री कहां चल पड़ी थी? तो मसूलीपट्टनम में। फिर कहें पश्चिमी तट की कौन सी है? तो आप नाम लेंगे सूरत का। कहेंगे पूर्वी तट की कौन सी है? तो आप नाम लेंगे मसूलीपट्टनम का। ये 99.9% लोगों को लास्ट तक भी क्लियर नहीं होता, जो मैं ये बता रही हूं ना, बहुत काम की बात है। पहली कोशिश सूरत में है, सूरत मतलब डायरेक्शन, देखो रटनी नहीं होती, चीज समझनी होती है। सूरत इस तरफ पड़ेगा आपका, गुजरात के सूरत यहां मान लें, और इधर जो आपका सन निकलता है तो ये पूर्वी तट हो गया, और इस तरफ सूरज नहीं निकलता तो ये पश्चिमी तट हो गया। अब पहली कोशिश उनकी है सूरत में, यानी पश्चिमी तट पर, लेकिन जब देखा सूरत में पुर्तगाली अड़ गए, जहांगीर भी परमिशन नहीं दे रहा, तो फिर पूर्वी तट पर बना ली मसूलीपट्टनम में, जहां ऑलरेडी डच भी बैठे हुए थे, ठीक है? लेकिन बाद में फिर स्वाली के युद्ध में 1612 में इनको हराया पुर्तगालियों को, और फिर यहां अपनी कोठी पूरी की। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि अंग्रेजों ने पहली कोठी कहां स्थापित करने की कोशिश की, तो आंसर आएगा सूरत। फिर पूछे कहां पहली फैक्ट्री स्थापित की, तो आएगा आंसर मछलीपट्टनम। अगर वो पूछे पूर्वी तट की कोठी का नाम बताइए, तो मछलीपट्टनम। पश्चिमी तट की कोठी का नाम बताइए, तो सूरत। ठीक है, अब उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, वही बात है, देखो पूर्वी तट पर पूछ लिया तो मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, और पश्चिमी तट पर पूछा तो सूरत। इन्हीं के बीच में तो 1612 में स्वाली का युद्ध हुआ, इन दोनों सालों के बीच में। नेक्स्ट, 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉम्स रो, अब टॉम्स रो दूसरा बड़ा नाम, एक तो हॉकिंस था जिसको की परमिशन नहीं मिली, टॉम्स रो ने बहुत रियायतें ले ली, बड़ा चालबाज था और अच्छी जबान, इसकी जबान इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव थी कि जैसा जैसा बोलता गया वैसे वैसी परमिशन इसको मिलती गई। तो टॉम्स रो को जहांगीर के दरबार में भेजा, जो 1619 तक भारत में रहा, 15 से 19 4 साल ये रहा, वो 8 से 11 रहा था, और अंग्रेजों के लिए व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहा। तो दो इंपॉर्टेंट आदमी हैं, पहला है हॉकिंस जिसने की कोशिश की थी पर बात नहीं बन पाई थी, मनसब मिल गया था, दूसरा है टॉम्स रो जिसको परमिशन मिल गई, बहुत सारी रियायतें मिल गई जहांगीर से। पहले जहांगीर को भी डर था ना पुर्तगालियों का, अब जहांगीर का डर खत्म हो गया। 1639 में अंग्रेज था फ्रांसिस डे, उसने मद्रास को पट्टे पर लिया, ये बहुत बढ़िया इनका, देखो चालाकी इनकी। अब इसको अपनी बेवकूफी भी मान सकते हैं, जैसे दूसरे आदमी की हमेशा बुराई करना भी गलत है ना, हम ये कहते हैं अंग्रेज ने ऐसा किया, वो लायक भी तो थे ना, हम क्यों इतने कमजोर थे कि हमारे ऊपर राज कर पाए, हम क्यों नहीं इतने तेज बुद्धि के थे कि हम इनकी चालों को समझ पाते, हम क्यों बेवकूफ थे कि हमने इनकी एंट्री इंडिया में होने दी या इनका टैक्स फ्री व्यापार होने दिया। तो दूसरे की गलती नहीं अपनी गलती माननी चाहिए, समझदार आदमी अपनी गलती मानता है, ये हमारी कमजोरी थी कि हमें अकल क्यों नहीं थी कि इनको हम क्यों अपने देश में एंट्री दे रहे हैं। अब देखो क्या हुआ, ये क्या कह रहे हैं, इस फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पर लिया, हुआ क्या मैं बता दूं आपको, साउथ इंडिया था, यहां एक इलाका पड़ता है आपका जिसको आप कहते हैं चेन्नई, तमिलनाडु चेन्नई पता है आपको राजधानी, तो ये चेन्नई का इलाका है ना, ये एक लोकल सा आदमी था तमरेला करके, उसका नाम था तमरेला कटप्पा, वेंकटप्पा था पूरा, कटप्पा तो मुझे उस मूवी से याद आ गया, उससे ही जैसे जोड़ पाओगे आप, तो उसका नाम कोई नहीं पूछना, हिस्ट्री में कहीं नहीं लिखा, एक आधी किताब में बहुत ऊंचे स्तर पर पढ़ते हैं तब पता चलता है, वेंकटप्पा उसका नाम था, नमरेला वेंकटप्पा। उसकी ये प्रॉपर्टी फालतू थी, क्यों? क्योंकि इसमें कोई न तो इंसान रहता था, न यहाँ पे कोई भी फसल पैदा होती, यानी खाली पड़ा था, बेकार, जिसमें कुछ पैदा ना हो, ऐसी जमीन थी। तो इसके सामने ये गया अंग्रेज और इसने कहा कि भाई आपका ये प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, इसमें कोई फसल तो निकलती नहीं, ना आपको इसका टैक्स मिलता, ना यहाँ आदमी रहते, तो क्या आप हमें दे दोगे, हम इसको पट्टे पे ले लेंगे 10-20 साल के लिए,
और हम इसके बदले में आपको पैसे देंगे। तो उसको लगा दमरेला को कि यार ये प्रॉपर्टी इसमें कुछ भी नहीं है, खाली पड़ी है, मेरे लिए बेकार है, कुछ यहाँ से पैसा आता नहीं, कोई यहाँ आदमी रहता नहीं, और ये मूर्ख कह रहे हैं कि हम इसके बदले पैसा, ठीक है ले लो। इसने मद्रास को लीज पे दे दिया पट्टे पर, जैसे 10-20 साल का लिखवा लेते हैं कि भाई इस जगह पे 10 साल हम लोग अपनी मर्जी से काम करेंगे, बदले में आपको ये पैसा मिल जाएगा। तो जिस जो जमीन फालतू पड़ी थी, खाली पड़ी थी, इसको लगा यार इसके बदले मूर्ख अंग्रेज पैसा दे रहे हैं तो मेरे तो बढ़िया कमाई हो रही है, उसने कहा ठीक है ले लो पट्टे पर। तो लीज पर दे दिया, मद्रास को पट्टे पर दे दिया और वहां एक कोठी का निर्माण कर लिया। जो इस दमरेला के लिए वेस्ट था वहां उन्होंने अपनी फैक्ट्री बना ली, अपनी कोठी बना ली। अब कोठी का निर्माण कर लिया, उसका नाम देखो क्या रखा है, किला बना दिया पूरा, फोर्ट, फोर्ट मतलब किला, सेंट जॉर्ज, अपने किसी जैसे पुराने कोई गुरु जैसे हम लोग किसी के नाम पे रख लें, तो फोर्ट बनाया सेंट, सेंट मतलब संत जॉर्ज के नाम पर। और बाद में ये अंग्रेजों का मुख्यालय बन गया, देखो जरा इनका हेडक्वार्टर बन गया मद्रास में। और याद करो मैसूर की लड़ाइयां तुम्हें बताई थी, जब हैदर अली लड़ा था, याद है पहला युद्ध, और इनको पीटने लगा था, पीटते पीटते यहां से, इनको पीटते पीटते वो यहां से देखो यहीं तो लेके गया था, और मद्रास के किले में फिर ये घुस गए थे, और फिर इन्होंने पैर पकड़ लिए थे कि जी हमसे गलती हो गई। उसी टाइम इनकी कोठी को तोड़ डालना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि हम काइंड हार्टेड थे, हम बहुत बड़ा दिल था इंडियंस का, और चलो कोई बात नहीं माफ कर दो बेचारे। और ये बेचारे इतने हावी हो गए कि देखो पहले कैसे एक आदमी से, वहां के लोकल कोई छुटपुट से राजा टाइप मान लीजिए, उससे हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि पट्टे पे जमीन दे दोगे, ये वाला इलाका हम टैक्स दे देंगे, दे दी उसने जमीन, यहां अपना कोठी बना ली, फिर किला बना लिया, क्या नाम रखा, फोर्ट, फोर्ट मतलब किला, सेंट इनके संत जॉर्ज, ये इनका हेडक्वार्टर बनेगा मद्रास, जहां ये घुसेंगे इस मैसूर के राजा से लड़के, और फिर जहां ये सेफ हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे करके ऐसे हावी हो जाएंगे कि हमसे निकाले नहीं जाएंगे, ये हम छुटपुट छुटपुट गलतियां कर रहे हैं, तो पूछ लेंगे कि फ्रांसिसी, ये इसका नाम क्या था जिसने मद्रास बसाया, फ्रांसिस डे, फ्रांसिस डे याद रखना, मद्रास बसाया फ्रांसिस डे ने, और ये किससे लिया, एक लोकल राजा से, यहां क्या बना दिया, सेंट जॉर्ज, इनका पहला एक स्टेबल जगह हो गया, भैया कुछ दिक्कत हो तो यहां घुस जाओ, ये हमारा हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखो क्या हुआ इसमें, 1651 में शाह शुजा, याद है औरंगजेब वगैरह चार भाई थे, शाह शुजा, मुराद, दोनों भाई एक इस तरफ एक इस तरफ, औरंगजेब दक्षिण में था और जो ऊपर था वो दाराशिकोह था, शाह शुजा बंगाल की तरफ था, ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार का विशेष अधिकार दे दिया। देखो कितने मतलब ये इनकी इंडियंस की काइंडनेस देखो, कि शाह शुजा के पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, औरंगजेब का भाई तो है ये, इसके पास क्या है, गवर्नर बना रखा है इसके पिताजी ने, यानी शाहजहां का एक बेटा जो गवर्नर है बंगाल का, ये क्या कर रहा है बंगाल में व्यापार का, ठीक है भैया तुम्हें विशेष अधिकार है तुम यहां आराम से व्यापार करो। तो देखो कैसे गलतियां करते जा रहे हैं हम, व्यापार का विशेष अधिकार तभी तो सिर पे चढ़ेंगे। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स सेकंड के साथ हुआ। इस विवाह में पुर्तगालियों ने ब्रिटेन को बंबई दहेज में दे दिया। तो देखो कैसे तीन इलाके मिल गए इनको, इन्होंने मद्रास देखा कैसे लीज पे लिया, वहां क्या बना लिया अपना किला, फोर्ट सेंट जॉर्ज बना लिया मद्रास इनका, और ऊपर शाह शुजा है बंगाल में गवर्नर, उससे बोले कि हम आपके यहां पे व्यापार कर ले, विशेष अधिकार दे दोगे, उसने विशेष अधिकार, यानी बंबई ये बंगाल इनका हो गया एक तरह से इनकी अंडर आ गया, और नीचे मद्रास इनका और बंबई इनको दहेज में मिल गया। तीन ही तो टेरिटरी मेन थी हमारी, बंबई मद्रास और कलकत्ता, ये तीनों देखो कैसे इनके हाथ में आई, को समझो इस चीज को, कैसे एक एक करके ये इंडिया पे राज करने के लिए आगे आ रहे हैं। अब इनको तीनों मिल चुके यहां तक, इस पॉइंट तक। 1668 में चार्ल्स द्वितीय, जिसको ये प्रॉपर्टी मिली थी बंबई की, ने बंबई को 10 पौंड के वार्षिक किराए पर पीईआईसी को दे दिया। अब जिसको ये प्रॉपर्टी मिली थी वो बोला मुझे क्या करना इस दहेज का, इस प्रॉपर्टी का, जो मेरे देश की कंपनी है मैं उसको दे देता हूं। तो बंबई इनको राजा ने दे दिया जिसको खुद दहेज मिला था। मद्रास इन्होंने लीज पे ले लिया, किला बना दिया, और शाह शुजा यानी औरंगजेब के सगे भाई से विशेषाधिकार ले लिया बंगाल में। तो तीनों बड़े एरिया पे इनका एक तरह से राज चलेगा। 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई बना दिया, क्योंकि बंबई फ्री की प्रॉपर्टी थी ना, दहेज में मिली हुई थी, तो बोले सूरत में क्यों दुखी रहना, पहले सूरत की फैक्ट्री उठा के सूरत से कहां ले आए, बंबई में। अब ये तीन इनके हो गए, बंबई, मद्रास, कलकत्ता। 1698 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने तीन गांव सुतानुति, कालीकट, गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपए भुगतान कर प्राप्त कर ली, और वहां फोर्ट विलियम, अब कलकत्ता की बात हो रही है, कितने चालाक है देखो, और हम कितने बड़े बेवकूफ थे इंडियन कि हम इनको अपने घर में घुसाते जा रहे हैं और आगे और आगे और आगे, इनके पैर देखो कैसे जमेंगे। तीनों ले लिए, अब कलकत्ता में ना पहले सिर्फ परमिशन ली थी विशेषाधिकार की, अब देखो आगे बढ़े, और तीन गांव, बड़े बड़े गांव थे जिनसे बहुत रुपए आते थे, बोले इनके पैसे हम कलेक्ट कर लें जी, इनकी जो इनका रेवेन्यू आप लेते हो, इनका कर लेते हो, हम ले लें, इसके बदले हम आपको इतने रुपए दे देंगे, चाहिए हमें कम दे। जैसे बोले कि हम आपको 1200 रुपए, देखो क्या लिखा इसमें, लिखा था ना 12, ये रहा 1200 रुपए भुगतान, बोले आप विशेषाधिकार है ना भाई, तुम्हें अलग से पावर्स मिलेंगी बंगाल के आसपास, तो बोले कि हम तीन गांव जो आपके है ना ये बंगाल में, इनका रेवेन्यू हम इकट्ठा करेंगे जी, इन किसानों से हम पैसे लेंगे, ये चाहे हमें 100 रुपए दें, हम आपको 1200 रुपए दे देंगे। तो 1200 रुपए के बदले तीन गांव और जमींदारी पे कब्जा, मतलब वो एरिया आपके अंडर आ गया। अब चाहे ये हमारे लोगों को पीट के 15,000 निकलवाएं, चाहे 20,000 निकलवाएं, और चाहे 1200 ही निकलवाएं, इनको तो 1200 रुपए देने हैं बस। तो कितनी बड़ी बेवकूफी है कि विदेशी होते कौन है हमसे पैसा लेने वाले, हमारा राजा हमसे 1000 बार पैसा ले, विदेशी
ही आके क्यों पैसा ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने विशेषाधिकार दे दिए। तो क्या कह रहे हैं देखो, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी, ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर भारत, दक्षिण भारत में है ये कालीकट वाला जमींदारी, 1200 रुपए भुगतान कर प्राप्त कर ली और वहां फोर्ट विलियम का निर्माण किया। ये कालीकट जो है ना, ये एक जगह अगर पूछेंगे तो साउथ में है, वैसे ये गांव जो है ये बंगाल के पास भी था। तो इन्होंने देखो क्या किया, अब अपना एक नया फोर्ट बना दिया। एक फोर्ट तो हम पढ़ के आए थे, दूसरा देखो, फोर्ट मतलब किला, दूसरा किला विलियम का निर्माण कर दिया। अब ये दो बड़े किले बन गए। अगर कहें सेंट जॉर्ज किला कहां है, मद्रास में, और विलियम कहां है, तो इसमें बंगाल में, का निर्माण किया। बाद में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव किसने रखी, जॉर्ज चारनाक। इसको जॉब चारनाक भी लिखते हैं, जॉब चारनाक ऐसे भी लिखा मिल जाएगा आपको, या ऐसे भी लिखा मिल जाएगा चारनाक। अभी हम फ्रांसिस डे का नाम पढ़ रहे थे, याद है, मद्रास बसाया था फ्रांसिस डे ने और कलकत्ता बसाया है जॉब चारनाक ने। अब मैं आपको बता दूं, ये इतने घटिया हैं कि इस इलाके में ये लूट भी करेंगे। पहले तो परमिशन लेंगे और उसके बाद इसी इलाके को लूटेंगे ये, और लूटेंगे ना जब उस टाइम पे अपने देश पर, इंडिया पर औरंगजेब का राज था। इनकी इतनी हिम्मत हुई, औरंगजेब के टाइम में इन्होंने लूट मचा दी हुगली में, कलकत्ता के पास। तो औरंगजेब अपनी सेना भेजेगा कि ये कौन है विदेशी, इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरी टेरिटरी में लूट रहे हैं ये। यहाँ पे जब सेना जाएगी तो इतने बेशर्म है ये, हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, कहेंगे जी हमसे गलती हो गई और हम आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करेंगे। तो कहेगा वो कि जिसने ये किया था ना, वो आदमी कौन है, उस आदमी का नाम था जॉन चाइल्ड। उसने कहा यहां से निकलो, इस देश से दोबारा दिख मत जाना, नहीं तो सब कुछ खत्म कर देंगे। जॉन चाइल्ड को कंपनी ने रातों रात विदेश भेज दिया कि तू जा, कहीं तेरे चक्कर में कंपनी के पैर उखड़ जाए। और जॉन चाइल्ड भागा, लेकिन जॉब चारनाक वहीं बैठा रहा, क्योंकि इसने कुछ किया नहीं था, नाम जॉन चाइल्ड का लगा दिया और उसको भी मरवाया थोड़ी, उसको भगा दिया यहां से। यानी हमारे ही देश में रहकर हमें ही लूट के और फिर भी यहां बैठे हैं और फिर अपना शहर भी बसा रहे हैं। फ्रांसिस डे ने मद्रास बसा दिया, अपना किला बना लिया, और कलकत्ता बसा दिया जॉब चारनाक ने। अंग्रेजों के देखो कैसे पैर फसलते जा रहे और हम कुछ नहीं कर रहे। इसके बाद अगला पॉइंट आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, फर्रुखसियर। 1717 में फर्रुखसियर, याद है, बीमार हुआ था एक डॉक्टर अंग्रेज ने, फिर इसको ठीक कर दिया। तो इसने कहा ठीक है, तुम यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुम खूब व्यापार करो, बस 3000 रुपए एक साल के दे देना। तो कितने मूर्ख हैं, यहाँ से करोड़ों रुपए आया करते थे और महज 3000 में बोले तुम्हारा बंगाल। फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना कर दिए, टैक्स माफ, बिल्कुल टैक्स माफ, बंगाल में व्यापार का अधिकार प्रदान किया। एक अंग्रेज डॉक्टर ने फर्रुखसियर की बीमारी को ठीक किया था। वैसे लिखते हैं कि बिना कर दिए, पर कहा जाता है कि 3000 पूरे साल के लिए थे, कुछ भी नहीं होते 3000 पूरे साल के। और उस टाइम में ये करोड़ों सबसे अमीर प्रांत था बंगाल। तो क्या बोला, बंगाल आराम से रहो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं, मन करे दे देना पैसे, ना मन करे मत देना, 3000 रुपए में तुम फ्री हो गए। खूब यहां से जमींदारी ले ली, पहले 3 गांव की 1200 रुपए में, और अब पूरा बंगाल इनके पास है, अपना किला बना लिया और हम आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि फर्रुखसियर जैसे उत्तर मुगल शासक बहुत कमजोर थे। ये हमारी अपनी गलती है जो ये लोग घुसे यहां। इसके बाद 1757-64 अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, चलिए 3 पॉइंट है, इनको मैं कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलो, तो आज हमने जाना ब्रिटिशर्स ने कैसे अपने पैर जमाए हैं इंडिया में, और हमने ये देखा कि सब में हम अपने आप ही बेवकूफ बनते गए और धीरे धीरे करके इनके हाथ में अपने देश का इलाका सौंपते चले गए। चाहे वो मद्रास लीज पर देने की शुरुआत की हो फ्रांसिस डे को हमने, या फिर बंबई इनको दहेज में मिला हो, या फिर शाह शुजा जो औरंगजेब का सगा भाई था, शाहजहां का लड़का, उसने इनको यहां पे इलाके में कह दिया कि ठीक है तुम यहां आके काम कर लो। इन्होंने व्यापारिक कोठी बना ली हुगली में, फिर इन्होंने हुगली को लूटा और फिर उसके 12 साल बाद वहां की जमींदारी ले ली और फिर वहां अपना बढ़िया किला बना दिया। अगर पूछे सेंट जॉर्ज तो आएगा मद्रास वाला, और अगर कहें सेंट दूसरा कोई नाम ले तो विलियम नाम ले तो वो आएगा कलकत्ता में, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, आधे लोग विलियम को कलकत्ता ये टिक कर देंगे, मद्रास, मद्रास वाले का नाम है जॉर्ज और कलकत्ता वाले का नाम है विलियम। सेंट मतलब होता है महात्मा, संत, तो अपने कितनी जैसे जीसस क्राइस्ट है ना, उसी धर्म को ये मानते हैं, तो उसमें कोई सेंट रहे होंगे, उनके नाम पे इन्होंने बना दिया। ये दो इनके, बंबई इनको फ्री में मिल गया, दहेज के रूप में मिला था, उसने 10 रुपए वार्षिक पॉन्ड के हिसाब से कि भैया इतने दे देना, और ये 3 टेरिटरी अब इनकी। हम आगे पढ़ेंगे ये कैसे इंडिया पे हावी हुए। तो इसमें 2 लड़ाइयां मेन आएंगी, एक प्लासी की लड़ाई और एक बक्सर की लड़ाई, फिर 57 की क्रांति और कैसे सत्ता का परिवर्तन, वो सारा अगला टारगेट है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब पढ़ते रहो, खूब आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने मन में एक जज्बा रखो, ठीक है। थैंक यू।